हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, पिछली कक्षाओं में मैम आपको स्वर अ से अह तक को पढ़ना और लिखना दोनों सिखा चुकी है। मुझे आशा है आप सबको स्वर अ से अह तक पढ़ना और लिखना बहुत अच्छे से आ गया होगा। ओके, तो मैम आज आपको एक नई चीज सिखाने वाली है। आज हम सीखेंगे व्यंजन। क्या सीखेंगे? व्यंजन। तो इन व्यंजनों में जो सबसे पहला व्यंजन मैम आज आपको सिखाएंगी वह है व्यंजन क। कौन सा व्यंजन सीखेंगे आप? व्यंजन क। क से कबूतर। क से कबूतर। क से कमल। क से कमल। और क से कलश। क से कलश। So kids, take out your Hindi workbook 1 and open page number 10. तो सभी बच्चे पेंसिल अपने हाथ में ले लेंगे और हम बनाना सीखेंगे व्यंजन क। तो सबसे पहले बच्चों हम ट्रेसिंग पार्ट पे बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले इस बिंदु पर आप अपनी पेंसिल रखेंगे और बनाएंगे सीधी रेखा, स्टैंडिंग लाइन। ओके, अब आपने जो सीधी रेखा बनाई है उसके ऊपर हमें बनाना है आधा गोला। वो आपको बहुत अच्छे से बनाना आता है। आधा गोला आप सीधी रेखा के बिल्कुल बीच में बनाएंगे और ये आधा गोला आपको अपने सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए बनाना है। तो ये हम बनाएंगे आधा गोला और इस आधे गोले को आपको सीधी रेखा से टच करते हुए इसको थोड़ा सा बाहर की ओर निकालेंगे, लाइक दिस। फिर से सीखते हैं। सबसे पहले बनाएंगे सीधी रेखा। अब इस सीधी रेखा के बीच से आपको बनाना है आधा गोला सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए। अब इस गोले को बनाते हुए आप इसे सीधी रेखा से थोड़ा सा बाहर की ओर निकालेंगे। सबसे पहले हमने बनाई सीधी रेखा, अब हम बनाएंगे आधा गोला। अब इस आधे गोले को हम थोड़ा सा बाहर की ओर निकाल कर छोड़ेंगे, लाइक दिस। एक और बार बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सीधी रेखा, अब इस सीधी रेखा पर हम बनाएंगे आधा गोला सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए और इसको थोड़ा सा बाहर की ओर निकालेंगे। ओके, चलिए अब हम बनाना सीखते हैं व्यंजन क। सबसे पहले सीधी रेखा बनाएंगे। ओके, अब इस सीधी रेखा के बीच में आपको बनाना है आधा गोला सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए। ये हमने बनाया आधा गोला सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए। जैसा कि मैम बता चुकी, आपको थोड़ा सा बाहर की ओर निकाल कर छोड़ना है और फिर इसको धीरे से घुमाते हुए इसको नीचे की ओर लेके आना है। तो ये बन गया व्यंजन क। सबसे पहले सीधी रेखा, अब इस सीधी रेखा के ऊपर बनाएंगे आधा गोला बिल्कुल सेंटर में बीच में। इस आधे गोले को आप बाहर की ओर निकालेंगे और आप देख रहे हैं बाहर की ओर निकाला है मैम ने, तो ऊपर की ओर ले जाकर छोड़ा है और फिर इसको धीरे धीरे हाथ को नीचे की ओर घुमाते हुए लाएंगे। तो ये बन गया व्यंजन क। सबसे पहले हम बनाएंगे सीधी रेखा, अब बनाएंगे आधा गोला सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए। इस आधा गोला को हम थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाएंगे और फिर इसको नीचे की ओर घुमा कर लाएंगे। व्यंजन क, सीधी रेखा, अब हमें बनाना है आधा गोला सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए। इस आधे गोले को आप थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाएंगे और इसको नीचे की ओर मोड़ कर लाएंगे। तो ये बन गया व्यंजन क। क से कबूतर। अब यहाँ पर हम फिर से बनाना सीखेंगे व्यंजन क विदाउट ट्रेसिंग। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बनाएंगे हम सीधी रेखा, लाइक दिस। अब सीधी रेखा पर हमें क्या बनाना है? यस, आधा गोला। तो आप बिल्कुल सेंटर में मींस बीच में आप बनाएंगे आधा गोला सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए, लाइक दिस। अब इस आधे गोले को आप बाहर की ओर निकालेंगे। अब
हमें इसको नीचे की ओर मोड़ते हुए लेकर आना है। तो ये बन गया व्यंजन क। सबसे पहले सीधी रेखा, आधा गोला, इसको बाहर की ओर निकालेंगे थोड़ा सा और फिर इसको नीचे की ओर मोड़कर ले आएंगे। तो ये बन गया व्यंजन क। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैम ने इसकी क्या बनाई है, टेल बनाई है, पूंछ बनाई है। ओके, सबसे पहले सीधी रेखा, फिर हम बनाएंगे आधा गोला, इस आधा गोले को थोड़ा सा बाहर की ओर निकालेंगे। बाहर मैम ने निकाला है कहाँ, ऊपर की ओर। अब हम इसे मोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे व्यंजन क। सबसे पहले सीधी रेखा, अब हम बनाएंगे आधा गोला और इस आधे गोले को थोड़ा सा बाहर की ओर छोड़ेंगे, फिर इसको नीचे की ओर घुमाते हुए लाएंगे व्यंजन क। क से कमल। चलिए फिर से बनाना सीखते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, यस सीधी रेखा, स्टैंडिंग लाइन। ओके, अब आपको बनाना है आधा गोला सीधी रेखा के बिल्कुल बीच में। ये हमने बना दिया आधा गोला सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए। अब इस आधे गोले को हम थोड़ा सा बाहर की ओर निकालेंगे और फिर इसको नीचे की ओर घुमा कर ले आएंगे व्यंजन क। सीधी रेखा, आधा गोला सीधे हाथ की ओर मोड़ते हुए इसको हम थोड़ा सा ऊपर की ओर बाहर निकालेंगे और फिर इसको नीचे की ओर घुमा देंगे। सबसे पहले सीधी रेखा, अब हम बनाएंगे आधा गोला सीधे हाथ की ओर मोड़ते हुए इस गोले को ऊपर की ओर बाहर निकालेंगे, फिर इसको नीचे की ओर मोड़ कर ले आएंगे व्यंजन क। क से कलश। अब एक और बार बनाने का अभ्यास करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सीधी रेखा, अब हम बनाएंगे आधा गोला सीधे हाथ की ओर मोड़ते हुए इस आधे गोले को हम बाहर की ओर निकालेंगे थोड़ा सा और इसको फिर नीचे की ओर घुमाते हुए ले आएंगे। तो ये बन गया व्यंजन क। तो बच्चों आज आपने कौन सा व्यंजन सीखा, व्यंजन क। क से कबूतर, क से कमल और क से कलश। तो किड्स, आपको अपनी हिंदी वर्कबुक 1 के पेज नंबर 10 और 11 पर व्यंजन क को बनाने का अभ्यास करना है, लाइक दिस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।